अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टराम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, आई कैप के ज़ेर एहतमाम लाहौर के मकामी होटल में पोस्ट बजट सेमिनार का इनकाद किया गया है। इस पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से जो आई कैप के मेम्बरान हैं अहदेदारान ने शिरकत की है। इस हवाले से पोस्ट बजट में माहिरीन क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। जी नाज़रीन, आई कैप के साबिक सदर मोहम्मद नईम शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो बजट को किस तरह देख रहे हैं और जो आज पोस्ट बजट सेमिनार हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, उनकी ज़बानी जानते हैं। सो मैं अगर इसको पॉलिटिकल बजट को देखूं तो ये एक मिक्स किस्म के सिग्नल दे रहा है। बेसिकली कुछ तो मेजर्स अच्छे हैं, जैसे कि जो वेल्दियर सेगमेंट है सोसाइटी के उनको टैक्स करने की कोशिश की गई है, और जो नीचे वाला तबका है मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास उसको ब्रेक्स दी गई हैं, जैसे सैलरी के अंदर उन्होंने टैक्स के रेट जो हैं उसके अंदर रिडक्शन कर दी गई है। इसी तरह जो हायर इनकम के लेवल्स हैं, जैसे 300 मिलियन से ऊपर की इनकम है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। फिर इसी तरह बड़ी गाड़ियां जो 1600 सीसी से ऊपर हैं उनको टैक्स लगा दिया गया है, फॉरेन एसेट्स को भी टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड देखूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पोलिटिकल एक्सपीडियंसी भी देखी है, और ये भी देखा है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे कि CNIC है, उसके ऊपर उन्होंने आई थिंक ट्रेडर्स को और बिजनेसमैन को खुश किया है, और वो पिछले 3 साल से हमें कोशिश कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसको एकदम रिवर्स कर दिया है और उसकी कोई रीज़न भी नहीं बताई। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच भी सुनी, उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं था। तो दैट वाज अ प्रो डॉक्यूमेंटेशन मेजर, ठीक है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट शायद उसका हल ये था कि हम उसको इंसेंटिव बेस कर देते कि जो CNIC दे रहा है उसको टैक्स का रेट कम कर देते, या जो नहीं दे रहा उसका ज़्यादा कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया बेसिकली। तो इस तरह जो एक दो और भी मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे इम्पोर्टर को हम बड़े अरसे से कहते थे कि उसको नॉर्मल लॉ में अपना हिसाब किताब देना चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको अभी दोबारा वापस प्रिजम्प्टिव टैक्स में डाल दिया है। तो वो भी ये सिग्नल करता है कि ये पोलिटिकल डिसीजन है। तो ये कहना मुश्किल है कि मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा। अगर तो 7 ट्रिलियन का जो टारगेट है ये इसकी तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे ख्याल में ये कर लेंगे अचीव। उसकी वजह ये है कि रुपया डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, तो 180 से 200 रुपया हो चुका है। आपको पता है इम्पोर्ट से हम सारा टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो बज़ाहिर मेरे राय में कोई टैक्स कलेक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। नीम साहब, आग थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे जो अब सब्सिडीज़ ख़त्म की गई हैं, इसके बाद जो आवाम है उसका रद्दमल क्या होगा? जिस तरह आप बता रहे हैं डॉलर की जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो टैक्सेशन तो मुकम्मल शायद टारगेट तो पूरे हो जाएं, लेकिन आम जो आम पर्सन है उसका क्या बने? आम के लिए तो देखें, मैं बड़ा मुश्किल वक्त देख रहा हूँ। कल मैं एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को देख रहा था, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की जो रियल इन्फ्लेशन है वो 40% है। सो आगे जिसे जब ये जैसे आप कह रहे हैं कि रेट बढ़ने हैं तो ये और खौफनाक होगी। लेकिन मेरी राय में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपका रुपया इतने डिप्रिशिएट हो जाएगा कि इन्फ्लेशन वहाँ से आ जाएगी बेसिकली। तो इसलिए ये स्टेप लेना तो राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन हैविंग सेड दैट छोटे तबके के लिए बहुत मुश्किलात होंगी और गवर्नमेंट को उस तरफ फोकस ज़रूर करना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एक्स्ट्रा दी हैं सब्सिडीज़, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको कोई, जैसे अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो जैसे इस मुल्क में 2 करोड़ मोटरसाइकिल हैं, तो हमें कोई उनके लिए ये भी सब्सिडाइज़ करना चाहिए, कोई स्मार्ट कार्ड उनके लिए इशू करने चाहिए कि उनको पेट्रोल चीप मिल जाए। ठीक है, गाड़ी वाला तो शायद मुश्किल से अफोर्ड कर ही लेगा, बट छोटों को ब्रेक मिलनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये मजबूरी है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। वैसे नीम साहब, सिर्फ आखिर में छोटा सा, ये जितना बजट पेश हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा रोल होगा इसमें कि डायरेक्ट टैक्सेस? नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। स्पीकर ने पहले बयान भी किया है कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सीधा गरीब को हिट करती है बेसिकली, डायरेक्ट टैक्सेशन अमीर को हिट करती है। बट अमीर इस पूरी इकॉनमी पे काबज़ है, या लीड्स जो है ना उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ बेसिकली। सो बजट जो है वो उन्हीं को शो करता है, और पिछले आज की हुकूमत की बात तो नहीं है, ये पिछले 70 साल से यही हो रहा है कि लीड काबज़ है। इसीलिए आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो 60% से भी ऊपर चला गया है, और वो ऐसे सा मजीद उसका शेयर बढ़ता चला जाए, और इनडायरेक्ट जो है वो इक्वली पास ऑन हो जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा कंज्यूम करता है उसको ज़्यादा होता है, जो कम कंज्यूम करता है उसको कम होता है, बट उसका ज़्यादा गरीब पे इफेक्ट आ जाता है, गरीब को भी उसके अंदर हिस्सा देना पड़ता है। तो ये आई थिंक इसको चेंज होना चाहिए, और उसके अंदर आई थिंक आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।